अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे, उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम हो गया आईफ्रा पिजन गैलरी में। मेरी ऑडियंस मेरे से प्यार मोहब्बत करने वाली, सपोर्ट करने वाली, आज भी मुझे सपोर्ट करेगी। और दोस्तों कल ऐसा हुआ कि एक अली नाम का लड़का, ये समझदार वाली साइड पे आता है इधर ना, ये मेरे घर के बिल्कुल सामने, मैं आपको दिखाता हूँ उसके छत। ये येलो ममटी, ये टैंकी सी नहीं बनी ममटी वाली, ये छत है ठीक है, ये ब्लू टैंकी के पास ही ये वाली बिल्कुल सामने मेरे घर के। तो अली नाम है इसका, यहूदी इसको पता नहीं लोग क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यहूदी क्यों कहते हैं। मैं सीधी बात करूंगा कि पीठ पीछे बात नहीं, मैं डरता कोई नहीं, मुझे खुदा रब का खौफ है, उसके बाद किसी का खौफ नहीं। यहूदी इसको कहते हैं, अली बड़ा पाक नाम माशाल्लाह, और यहूदी पता नहीं क्यों कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर मेरा कल मगरिब के बाद कबूतर गिर गया, गिरा भी कौन सा, हुआ भी क्या, मैं आपको सब शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करना, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस बंदे को, इसका नंबर आपको स्क्रीन पर भी मैं शो कर रहा हूँ, तो इसको फ़ोन करके थोड़ी सी आपने गैरत भी दिलानी है। तो मैं फिर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों ये बच्चा निकला हुआ है एक, ठीक है, और एक अंडा है। अब माँ इसकी अकेली है, इसलिए ये ऊपर जाके बैठ गई है, क्योंकि माँ सुबह से बैठी हुई थी। ये जोन सी टैटन सी, ये माँ है, ठीक हो गया। कबूतर की वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो इधर अपना छोड़ के बैठी हुई है। अब वो दूसरा बच्चा भी आज निकलने वाला, कल ही वो नर भाग है, वो कल ही उसका बच्चा निकला है। नए बच्चे पे वो नर नहीं ना बैठ रहा, अब नर है ही नहीं। इसलिए ये देखे, इस बंदे को मैं क्या कहूँ, खुदा का खौफ नहीं है। कबूतरबाज बनते लल तैसी, हज़ार लल तैसी कबूतरबाजी पे, कि इस जैसा बंदा कबूतरबाजी में भी हो। मैंने इसको कल कहा कि यार मेरा ऐसे कबूतर आ गया, इतने अदब अदाब से मैंने इसे बात की, गुआंडी है ये मेरे घर के सामने अगली गली में रहने वाला, वो उधर चला जाए ना तो वहाँ से फिर भी आ ही जाता है, ये गुआंडी है। मैंने इसको कहा, अच्छा मैंने इसको कहा कि यार ऐसे ना आपके पास कबूतर आया मेरा, तो उसने बच्चे अंडे दिए हैं। मैंने बड़े अदब अदाब से बात किया, इतनी तो मैं अपने वालद साहब से भी इतने इतराम से बात नहीं की जितनी मैंने इस बंदे से की। लेकिन ये जो बंदा ना, उस ज़बान का मेरी अखलाक का हकदार ही नहीं रहा। तो मैंने इसको कहा कि यार ऐसे ऐसे कबूतर आया, कहता आया ही नहीं है। मैंने कहा यार मेरे सामने बैठा, मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूँगा, यार आया ही नहीं है, पकड़ा ही नहीं है, बैठा ही नहीं है। मैंने कहा यार मैं वीडियो बना रहा था यार, वो मैंने वीडियो मेरे से डल हो गई है कि आपके पास बैठ गया, नहीं तो मैंने वीडियो अपनी कंप्लीट करनी थी कि जोड़ो ना कबूतर निकला और वापस आ गया। मैं जैसे छिड़े लगा था, मैं कहा वापस आ जाएगा तो इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा, वो नहीं बैठा तो मैंने नहीं बनाई। कहता वीडियो दे दो कबूतर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा यार कभी आप कहते कबूतर नहीं है, मैंने चार बंदे बीच में डाले हैं तब भी कहता कबूतर नहीं है। अच्छा सुन नहीं है इस वीडियो को, इस बंदे की चित्रोल करनी है मैंने आगे, ये बंदा नहीं, अब ये तो बंदा तो अब हमारे यहाँ तो अब चढ़ जाता ना, ठीक है प्लेटफॉर्म हमारे पास, हम इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं भाईजान, बेरकाब करते हैं, हमें डर खौफ किसी का नहीं होता, ठीक है। चार बंदे इकट्ठे कर ले, जो भी करना कर ले, कबूतर उसके पास गया वो उसकी मर्जी है, दे ना दे, लेकिन इंसानियत खा रहा हूँ अगले की, इंसानियत और शौक करने वाला कबूतरबाज ना कभी भी किसी का कबूतर ऐसे नहीं मारेगा, ये बात याद रखना। बेशक ये छाता उसकी सामने ठीक हो गया, ये तो मेरे भी घर के सामने ये येलो ममटी वाली, तो बेशक कबूतर उसकी छत पे चला गया, दे ना दे वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम जैसे लोग हैं, जैसे आशिम महबूद, मैं और इस तरह के बहुत से लोग जो खुद फ़ोन करके लोगों का कबूतर वापस कर देते हैं, हैं वो कबूतरबाज कराता है। ये होते चिड़ीबाज, कबूतर देख के नीयत बदल जाना, अपना ईमान बेच देना, ठीक है। कहता पकड़ा ही नहीं है, रोजे में झूठ देखो, कहता पकड़ा ही नहीं है, और फिर कहता वीडियो दिखा दो तो मैं कबूतर दे दूंगा। और भाई यार 100 कबूतर तेरे मैं मुंह पे मारूंगा पकड़ के, मुझे नहीं तेरे ऐसे कबूतरबाजी, रख ले चार और रख मेरी तरफ से। मैं तो ये कहता चाहिए ना, मुझे बता मैं तुझे कबूतर और दूँ, कितना कबूतर की जरूरत है तुझे। ये यूट्यूब पे जो मेरे प्यारे भाई है ना, इस भाई इसको थोड़ा सा ना फोन करके ना इसको पूछना कितने कबूतर चाहिए इसको, आप इसको थोड़े बच्चे बुच्चे दे देना, बेचारा थोड़ा सा ना वो तरसा तुरसा होगा, छोटे होता कि तरसे तुरसे होते हैं, नई नई कबूतरबाजी हो और वो कबूतर इसके पास अच्छी कैटेगरी के ना हो, तो यार कोई अच्छे बच्चे बुच्चे इधर छोड़ देना, ठीक है। नंबर है मैंने इसका शेयर कर दिया, थोड़ी सी इसको भी शर्म दिला देना कि यार एक बच्चे नीचे पाल रहे थे, पैसे वो बंदा तुझे दे रहा था, हाँ यार तूने नहीं की, और ऊपर से फिल्में गोलियां, कबूतर ऐसे आया नहीं है वैसे नहीं है। अली भाई बड़े ही अफसोस की बात है, जर्मन अली साहब बहुत अफसोस की बात है, गोंडी कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है आपकी कबूतरबाजी। अब यहाँ पे जब बच्चे सच्चे होंगे ना तो कबूतरबाजी का मज़ा आएगा, जर्मन बात कहूँगा मज़ा आएगा कबूतरबाजी का, हम भी आपके तब जब शोक करेंगे ना आपकी कबूतरबाजी को, हम भी जब ख़राब करेंगे। और बाकी यार पूरे महल्ले में मैं कह रहा हूँ, मेरी आज के बाद किसी महल्ले के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है, ठीक हो गया, जिसके पास गया रखे, जिसके पास मेरा आया मैं रखूँगा, सीधी सी बात है।
अब मैं बात जो करूंगा सीधी साफ सुथरी करूंगा, इस मंडी के ऊपर 10 फुट मैं फेंकने लगा ईद के बाद। जो भी है जिसका आया भाई वो रबते ही ना करे, मैं जब मेरा गया मैं अभी फ़ोन ही नहीं करूंगा। सीधी साफ सी बात है, इसके पूछे इसके ऊपर 10 फुट मैं डाल के ना सबको बाकी सबके साथ उससे पहले मैंने ख़त्म कर देनी भाई, कि कल को कोई हिसाब किताब नहीं रहे। इसके ऊपर 10 फुट इन्हीं की वजह से डलेगा अब तो, बाकी मैं किसी का कबूतर अब देना ही नहीं है, चाहे वो नंबर वाला पकड़ूँ चाहे वो किसी का जो मर्जी पकड़ूँ भाई। मेरे कबूतर के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी हो सकती है? इतना अच्छा कबूतर, वो आप देखे यार उसके पल्ले देखे उसकी आंग देखेंगे आप खुद कहेंगे यार कबूतर अच्छा है। बात कबूतर की बात नहीं होती, बात होती है आंख सच की। तो मान ले, और मान भी कैसे रहा है, ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो वैसे नहीं तो वैसे। और बच्चे दिए इतने मैंने तो सीरीज के पीछे पढ़ाओ, नहीं तो ऐसे बंदे की मैं वीडियो भी ना बनाऊँ कि यार ऐसे बंदे चार बंदों पर जानने लग पड़ते हैं, लोग फेमस हो जाते हैं ऐसे बंदे। तो बड़े अफसोस की बात है अली साहब, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आपके साथ आप समझ ही होंगे कि क्या होने वाला शौक होगा आप लोगों के साथ, मज़ा आएगा शौक का भी आपके साथ इंशाल्लाह। आवाज़ खुद जाके दूंगा आपको मैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप जो 7-8 बजे की बातें करते हैं, शाम शाम की बातें करते हैं कबूतरों की, वो भी हम देखेंगे आपके 7-8 बजे तक कितने बजे जाते हैं, लाइटों में कैसे बैठते हैं। बाकी कबूतरबाजी आपकी भी हम ख़राब करेंगे, अब हम अपनी भी ख़राब करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। चिड़ीबाजी भी होगी अब तो, बड़ा मज़ा आएगा आपके साथ। तो अच्छा लगा आपके इस रूप रवैये से और जिस तरीके से जिस टून से आप कल बात कर रहे थे ना, मैं लल्ला पंजानी का अल्हम्दुलिल्लाह सारे जानते रहे बड़ी अच्छा, अगे पीछे तक जानते रहे सानू भी। तो जिस तरीके ना तू मन लल्ला पंजा का, मैं तो बड़ी इज्जत एहतराम ना, मेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास सारी पड़ी हुई है, मेरे पास चैट सारी पड़ी हुई है, जिस तरीके से मैं इस बंदे से बात कर रहा था और आगे इसका ओए ओए लिख के जो बातें तू कह रहा था मुझे, ओए शोए सुना रहा था तू मुझे, तो कल तो मैंने इज्जत एहतराम से बात करी। कबूतर पीना था पी लिया, खली वली कोई बसरा ही नहीं है कबूतर की, क्या औकात है? बात औकात नहीं होती, बात बंदे की इंसानियत की औकात होती है। बाकी थोड़ी सी इसको ना शर्म दिलाएं, मेरा तो ऐसे ही रोज़ा रोज़ा लग रहा है कि क्या इस बंदे को कहें, ऐसे बंदों को यार वैसे अफसोस है कबूतरबाजी पे, अफसोस है, मेरा इतना दिल दुखा हुआ है मैं बता नहीं सकता। ठीक है कबूतर उसकी छत उसने पकड़ लिया, ना दे दे उसकी मर्जी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को भी, लेकिन यह कोई इंसानियत भी होती है, कोई मल्लेदारी भी होती है, कोई शर्म हया भी होती है, कोई बंदा देख लेता दिन दहार भी यार। ऊपर से पता नहीं लास्ट में जाऊँगा यहूदी क्यों कहा जाता है इस बंदे को, इस पूरे एरिया में यहूदी के नाम से इसको बुलाते हैं, इसकी हरकतों की वजह से बुलाते हैं मेरे ख्याल से, कि झूठी कसम खा गया भाई, गाल पा गया अपने आप को, झूठी गाल पा गया अपने आप को।